छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित राजनांदगांव में जमीन के अंदर नक्सलियों के द्वारा भारी मात्रा में दैनिक उपयोग के सामान कुछ पाए जाने के बाद पुलिस ने आखिरकार उसे बरामद कर लिया। मुखबिर की सूचना के आधार पर सवारदानी पहाड़ी पर सर्चिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। राजनांदगांव DRG, STF और ITBP की संयुक्त कार्रवाई से ये सफलता हाथ लग पाई। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे धूर्ण नक्सल प्रभावित बरकट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत सवारदानी पहाड़ी में नक्सलियों ने दैनिक उपयोग के सामान को जमीन के अंदर रखने की सूचना के आधार पर राजनांदगांव के DRG पुलिस, STF और IBT की टीम संयुक्त टीम बनाकर सर्चिंग करने पहाड़ी पर पहुंची थी। सूचना के आधार पर बताए गए स्थान पर खुदाई करने पर जमीन के अंदर सफेद कलर की स्टेटिक्स निकालकर नक्सलियों की भारी मात्रा में दैनिक उपयोग के सामान और साहित्य को बरामद करने में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं सीमा पर लगे नक्सलियों के मूवमेंट अधिक होने के कारण दो दिन पूर्व भी इसी धूर नक्सल प्रभावित जंगल कोरबा में नए बेस कैंप भी खोला गया है, जिससे नक्सली कोई घटना को अंजाम ना दे सके। जी सर, बताएंगे नक्सली। कल हम लोगों ने जो है थाना बकरकट्टा अंतर्गत कोरबा में एक नया बेस कैंप खोला है। वहीं से हम लोग की जो DRG, STF और ITBP की जो फोर्स जो है सर्चिंग के लिए निकली थी एरिया डॉमिनेटर, उसी दरमियान एक मुखबिर से सूचना मिला कि सावरदानी पहाड़ी में कुछ दिन पहले माओवादियों ने जो कुछ सामान रखा है करके, तो उसी आधार पर उस पहाड़ी में गए और वहां पर जब खुदाई किए तो नक्सलियों द्वारा जो गाड़ा गया जो डंप मिला एक 500 लीटर के सिंटेक्स टंकी में काफी मात्रा में उनके दैनिक उपयोग के सामान है, दवाइयां हैं, राशन पानी है इत्यादि जो मिले हैं।